अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई डू होप दैट यू ऑल आर वेल एंड जस्ट स्टडीइंग केयरफुली एंड विद फुल ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन. सो टुडे आई एम गोइंग टू रीड न्यू ऑक्सफर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 1. एज यू नो, वी हैव रीड द फर्स्ट पेज ऑफ द पोएम बिफोर. आज हम इसका सेकेंड पेज की रीडिंग करने जा रहे हैं और आप जानते हैं कि आपकी पोएम का नाम है अराउंड द मलबरी बुश. So I'm going to read these lines for you. Now listen carefully and put your fingers on your book and try to match the words with me. This is the way we wash our clothes. बच्चो, हमने पढ़ा था कि कुछ बच्चे मलबरी बुश के इर्द गिर्द खेल रहे हैं, तो अब वो उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि उनके गिर्द हमारा घूमना कैसा है. तो उसमें उसके बाद वो कहते हैं दिस इज़ द वे वी वॉश आवर क्लॉथ. ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम अपने कपड़े धोते हैं. आपको पता है ना, जब हम कपड़े वॉश करते हैं या मामा जब आपके कपड़े वॉश कर रही होती हैं, तो वो राउंड राउंड सर्कल में जा रहे होते हैं. वॉश आवर क्लॉथ्स, वॉश आवर क्लॉथ्स, दिस इज़ द वे वी वॉश आवर क्लॉथ्स सो अर्ली मंडे मॉर्निंग. कहते हैं इसी तरह से हम अपने कपड़े धोते हैं मंडे मॉर्निंग, यानी पीर की सुबह को बहुत जल्दी. दिस इज़ द वे वी आयरन आवर क्लॉथ्स, आयरन आवर क्लॉथ्स, आयरन आवर क्लॉथ्स, This is the way we iron our clothes early Tuesday morning. अब वो बता रहे हैं कि जिस तरह से अपने कपड़े आयरन करते हैं, साथ में एक पिक्चर दी हुई है जिसमें एक पिक्चर में आपको कपड़े वॉश होते हुए, क्लोथ्स वॉश होते हुए नज़र आ रहे हैं. सेकेंड में वो दिखा रहे हैं किस तरह से अपने कपड़ों को आयरन करते हैं, इस्त्री करते हैं जैसे. तो उसका तरीका आपके सामने है, बताते हैं कि इस तरह से हम ट्यूज़डे को अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह में जल्दी जल्दी हम ये काम करते हैं कि अपने कपड़ों को आयरन करते हैं. लाइक इसमें हमने कुछ डेज़ के नाम भी सीखे हैं, इसमें हमने कुछ अपने एक्शंस के बारे में सीखा है कि हाउ वी डू दीज वर्क्स एंड हाउ स्टूडेंट लाइक टू, हाउ किड्स लाइक टू इन्जॉय इन देयर डेज. सो नाउ एम गोइंग टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ पेज नंबर 1 फॉर पेज नंबर 21 फॉर यू. सो इट इज़ अबाउट लर्निंग अबाउट लैंग्वेज. Work in pairs, we have to work on words with pairs. Here we have few pictures. यहाँ हम देख सकते हैं कि एक हमें वर्ड बैंक दिया गया है जिसमें wash, brush, go, comb, look, sleep, read, carry. I'm gonna translate these words for you. Wash का मतलब आपको पता है, अभी हमने पढ़ा है धोना. Brush, अपने दांतों को साफ करने के लिए जब हम ब्रश करते हैं उसको ब्रश कहा जाता है. गो जाना, comb कहते हैं बच्चों जब अपने बालों में कंघी करते हैं उसको comb करते हैं. उसके बाद look, देखना. sleep, सोना. रीड, पढ़ना. कैरी, किसी चीज़ को उठाना. सो नाउ आई एम गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द पिक्चर. इन वेरी फर्स्ट पिक्चर वी कैन से द चाइल्ड इज स्लीपिंग ऑन द बेड. सो यहाँ पे नाम लिखा हुआ है उस बच्चे का अली. सो हम यहाँ से वर्ड लेंगे स्लीप, तो हम इसका सेंटेंस बनाएंगे लाइक अली इज स्लीपिंग. बिल्कुल इसी तरह से हमने इस वर्ड बैंक के साथ इन पिक्चर्स के अकॉर्डिंग ऐसे ही सेंटेंसेस बनाने हैं और यही हमारा काम है. लाइक जैसे आपको ऊपर बताया गया है कि आस्क क्वेश्चन लाइक दिस, हु इज दिस, व्हाट इज ही और शी इज डूइंग, गिव एन आंसर, दिस इज डैश एंड ही इज और शी इज डूइंग दैट वर्क. सो इसी तरह से हमने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बनाना है. यू मे यूज दीज वर्ड्स, दे टेल अस व्हाट द चिल्ड्रंस आर डूइंग. यहाँ पे आप देखिए बच्चे हमें क्या करते नजर आ रहे हैं, ये वर्ड्स हमें उसके अकॉर्डिंग बताते हैं. सो आई एम गोइंग टू मूव टूवर्ड द नेक्स्ट पिक्चर. इमरान, देखें ना, आप देख सकते हैं कि इमरान तस्वीर में बच्चों क्या कर रहा है. देखें तो जी, इमरान के हाथ में एक बुक है और बुक को हम क्या करते हैं, बुक को जब हम देख रहे होते हैं तो हम उसकी रीडिंग कर रहे होते हैं. सो इमरान इज़ रीडिंग अ बुक. इन वेरी नेक्स्ट पिक्चर परवीन क्या कर रही है बच्चों, देखें इसके हाथ में क्या है, गौर से देखें. आप भी सुबह ये काम करते हैं और रात सोने से पहले भी. जी, यू हैव टू ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे. तो ये परवीन यहाँ पे अपने दांतों को ब्रश कर रही है. सो परवीन इज़ ब्रशिंग हर टीथ. अब मैं पेज टर्न कर रही हूँ, आगे कुछ पिक्चर्स हैं बच्चों, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको सेंटेंसेस बता दूंगी. जी है, वी हैव थ्री मोर पिक्चर्स. सादिया, अब यहाँ सादिया क्या कर रही है, देखें सिंक अपने वॉश बेसिन में अपने हाथों को धो रही है. तो धोने को मैंने आपको क्या बताया था, क्या कहते हैं, जी वॉश. सो सादिया इज़ वॉशिंग हर हैंड्स. यहाँ पे हम देख रहे हैं एक बच्चा है सलमान, वो अपने बालों में क्या कर रहा है बच्चों, मैंने आपको पहले बताया जैसे कि कॉम करना. कॉम का मतलब इन बालों को कंघी करना. तो सलमान इज़ कॉम्बिंग हिज हेयर. उसके बाद फरा इज़ कैरिंग समथिंग. व्हाट इज़ शी कैरिंग, इट्स अ बैग ऑफ समथिंग, कुछ पकड़ा हुआ उसने, कोई बैग है. तो हम यहाँ पे कहेंगे कि फरा इज़ कैरिंग अ बैग. जी बच्चों, यू हैव टू प्रैक्टिस दीज सेंटेंसेज एंड यू हैव टू ड्रिल दीज सेंटेंसेज. और इसी तरह से आपने कोशिश करनी है कि अगर आप कोई पिक्चर देखें तो आप उसको बताने की कोशिश करें कि उस पिक्चर में जो भी काम हो रहा है आप उनको अपने वर्ड्स में बताएं, तो आपकी ये वोकैबुलरी और सेंटेंस बिल्डिंग का जो प्रोसीजर है वो बेहतर हो जाएगा. उसके बाद बच्चों आपके होमवर्क में है आपका एक ऐसे जो कि है एन एप्पल, एंड यू हैव टू राइट दिस ऐसे एज ऑन योर नोटबुक एज वेल. सो आई एम गोइंग टू रीड दिस फॉर यू. इट इज़ एन एप्पल
It is an apple. Its color is red. It is good for health. I eat it daily. I like it so much. जी, ये एक सेब है. इसका रंग सुर्ख है. ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है. मैं इसे रोज़ाना खाता हूँ या खाती हूँ. I like it so much. मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ. This is the SOR 5 lines of an apple and you have to memorize it. आपको इसे याद करना है बच्चों बहुत अच्छी तरह से. And you have to write it on your notebook as well. अपना बहुत ख्याल रखिएगा and do your work carefully. अल्लाह हाफिज़.